गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। सो गाइज आज की व्लॉगिंग मैं 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कटगढ़, जो कि हिमाचल में पड़ता है और उसकी दूरी पठानकोट से 22 किलोमीटर है। तो चलती हूँ आपको लेके कटगढ़ की तरफ। तो मैं बस में बैठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ कटगढ़, जो कि हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में पड़ता है। तो वो अर्धनारीश्वर शिवलिंग है वहाँ पे, मतलब कि ऐसा शिवलिंग जिसके दो भाग हैं, मतलब विष्णु का पहला और एक लता शिवलिंग जो कि दो भागों में विभाजित है वहाँ पे। तो ये बस जा रही है, तो आप देख सकते हो बस में सभी श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ कटगढ़। तो मैं मंदिर के थोड़ा इतिहास के बारे में बताती हूँ कि कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में जब सर्वश्रेष्ठ होने का युद्ध हुआ था, तब भोलेनाथ जी ने अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। तभी से इसे अर्धनारीश्वर रूप से भी माना गया है। देश का पहला और इकलौता शिवलिंग है जो दो भागों में विभाजित है। एक भाग को पार्वती का रूप माना गया है, दूसरे भाग को शिव का रूप माना गया है। और ये मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है, तो ये देख सकते हो। तो कहते हैं कि जब सिकंदर जी भारत आए थे यूनान से, तो वो अपने 5000 सैनिकों के साथ यहाँ पे रुके हुए थे। तो उन्होंने इस मंदिर के चबूतरों का निर्माण किया है, जो ये चबूतरे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सिकंदर जी ने बनवाए थे। मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो करवाती हूँ आपको मैं दर्शन अर्धनारीश्वर के। तो ये है भोलेनाथ जी का शिवलिंग। तो ये वही शिवलिंग है जिसकी लंबाई 8 फुट है और दूसरी साइड से 6 फुट है। जो 6 फुट की लंबाई है उसको पार्वती का रूप माना जाता है, और जो 8 फुट की लंबाई है इसे शिव का रूप माना जाता है। तो कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में अलग हो जाते हैं और सर्दियों में पास आते हैं, और शिवरात्रि के दिन इनका मिलन होता है। यहाँ पे श्रद्धालुओं को शिव पार्वती के साक्षात दर्शन होते हैं। ये देखिए राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे, कितना प्यारा है। Thank you.
मंदिर के ऊपर से जो नेचर नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है। कितनी प्यारी पार्क है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि राम के भाई भरत जब भी अपने ननिहाल के देश अर्थात कश्मीर जाते थे तो कंठ करके शिवलिंग की पूजा किया करते थे, क्योंकि ये शिवलिंग उनके इष्ट देव थे। और ये भी कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की भी अटूट आस्था थी यहाँ पे, तो वो जब भी अपना कोई शुभ कार्य होता था तो मंदिर के समीप कुएं का जल का प्रयोग किया करते थे। उन्होंने अपने प्रशासन काल में इस मंदिर का भी विस्तार किया है। और ये भी कहा जाता है कि वो कुआं राम जी के पिता दशरथ जी ने बनवाया था। तो इस साइड यम जी का मंदिर है। तो ये वही मंदिर है जहाँ शिव पार्वती का मिलन होता है शिवरात्रि के दिन। तो दर्शन मैंने कर लिए हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं तो भोलेनाथ जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बोलो हर हर महादेव। और ये मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे खिलौने वगैरह हर प्रकार के बच्चों का सामान मिलता है। सो गाइज, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। I'm gonna get it out.